व्यवस्थित क्लासेस। आज हम जानेंगे MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी के लिए इसकी क्या जरूरत होती है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, सब कुछ जानेंगे। इसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोज हम लोगों ने बहुत सारे अपलोड किए हैं वीडियोज, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, और उसमें हमने 5 के 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अभी हम लास्ट में चल रहे हैं जिसमें हम कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जान रहे हैं, और बहुत जल्दी हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, और अब बच गया है कुछ तो वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से आज हम जानेंगे कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है और वो हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं। तो सब कुछ जानेंगे, जिसमें से आज अगर आप देखें तो हमारे पास कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, हर कंपनी को बनाना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास 3 है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 1 है MOA। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था और मैंने कहा था कि मैं वहां पर डिस्कशन नहीं कर पाया था, मैंने आपसे कहा था कि यहां पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, एक पूरा वहां पर डिस्कशन आपसे कंप्लीट लेक्चर होगा, और वो यही वाला वीडियो है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आज MOA के बारे में, थोड़ा देर में करते हैं। इसके अलावा 2nd नंबर पॉइंट लिखा हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी का दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे हम AOA कहते हैं, AOA के बारे में यहां पर डिस्कशन नहीं बल्कि अगले वीडियो में डिस्कशन होगा क्योंकि यहां पर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं MOA के बारे में। और तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम MOA कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसे हम AOA कहते हैं, और प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो बैक टू बैक 3 वीडियोस, तीनों हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं MOA जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के पास में 6 क्लॉजेस हैं और 6 के 6 क्लॉजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन में आपसे करने वाला हूं। MOA कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे हम कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं और इसे हम चार्टर्ड ऑफ कंपनी भी कहते हैं। चार्टर्ड ऑफ कंपनी जो होता है इसमें कंपनी के सारे स्कोप ऑफ ऑपरेशन, कंपनी के लिमिटेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें हम आउटसाइडर के साथ में क्या डीलिंग करेंगे, आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे क्रिएटर्स होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं, उन सबके बारे में हम यहां पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम अपने MOA में ऑल्ट्रेशन मतलब कि चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो MOA का जो कंप्लीट डिस्कशन है वो 6 क्लॉजेज में है, और आप चाहें तो इन 6 के 6 क्लॉजेज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिसे हम टेक्निकल टर्म में ऑल्ट्रेशन कहते हैं, कैसे होगा ये भी हम देखेंगे। और हम अपने MOA को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कि वहां पर कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जो हमारे आउटडोर मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं, तो हम अपने MOA को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट मतलब आपने जान लिया कि भाई MOA क्या है, मैंने आपसे कह दिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी को, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, क्योंकि ओनरशिप के बेसिस पे हमने 2 ही टाइप्स की कंपनी पढ़ी है। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप की कंपनी है, आपको 2 ही कंपनी के बारे में जानना है, ज्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है, आप 11 कॉमर्स में। तो MOA जिसमें अब 6 क्लॉजेस हैं, क्या विशेषता होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आपको बता दी है, क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम डिस्कशन करते हैं इन 6 क्लॉजेस के बारे में। पहले क्लॉज की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं नेम क्लॉज, और नेम क्लॉज का मतलब होता है कि जैसे ही हम इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, तो कंपनी का फॉर्मेशन होने के बाद में हम ये देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट में हम पढ़ते थे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ है, द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन वो जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसके हाड़ मांस नहीं होते, जिसके मसल्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उसे हम एक पर्सन ट्रीट करते हैं, और ठीक वैसा पर्सन ट्रीट करते हैं जैसे कि आप, जैसे कि मैं, जैसे कि राम, जैसे कि श्याम, जैसे कि मोहन। डिफरेंस इतना है कि राम, श्याम, मोहन आप में और मुझ में, यहां पर हम लोग न्यू नेचुरल ह्यूमन बींग है, रियल ह्यूमन बींग है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक जैसे हम किसी के साथ में बातचीत कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, सारे ही फीचर्स कंपनी को भी प्रोवाइड किए गए हैं कंपनीज एक्ट में, लेकिन वहां पर कंपनी के इन सारे एक्टिविटीज को करने के लिए, कंपनी के लिए बात करने के लिए हमने वहां पर स्पोक पर्सन रखा है, स्पीकर रखा है जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, वहां पर ऑथोराइज पर्सन है जो ये सारे काम कंपनी के बिहाफ में खुद करते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कंपनी। कंपनी अपने मेंबर से हमेशा सेपरेशन रखती है, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कशन की है, वहां पर हम लोगों ने देख लिया था बहुत सारा मेरिट डिमेरिट
मेरिट, कंपनी के फीचर, कंपनी के डिसएडवांटेजेस सबको देख लेते हैं। अब डिस्कशन है कि नेम क्लॉज में तो भाई किसी भी चीज का नाम होता है ना, जैसे कंपनी बनेगी आर्टिफिशियल पर्सन है और पर्सन का नाम तो होता ही होता है। अभी नाम रखना है, हमने देखा था कि जब नाम रखना होता है तो हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में जाते हैं और सिर्फ एक नाम लेकर नहीं जाते, नाम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जाते हैं और उसमें हम प्रेफरेंस में उस नाम को रखते हैं जो हम रखना चाहते हैं। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी है और नहीं भी है कि जो नाम आप चाहते हैं सेम नाम आपका कंपनी का पड़ जाए। हो सकता है कि वो नाम किसी दूसरी कंपनी का ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कवर हो रहे हैं, और वो सेम नाम अगर किसी दूसरी कंपनी का किसी दूसरे स्टेट में, किसी हमारे कंट्री के दूसरे कोने में अगर रजिस्टर्ड हो गया है तो वो सेम नाम आपकी कंपनी का नहीं हो सकता है। रजिस्ट्रार इस बात की जांच करता है, इसलिए आपसे वहां पे बहुत सारे सजेशन मांगे जाते हैं कि आप अपनी कंपनी के आइडेंटिकल नेम जो है सजेशन में दे सकते हैं। एक नाम नहीं, दूसरा नाम नहीं, तीसरा नाम नहीं, चौथा नाम, जो भी नाम आप रजिस्ट्रार को लगता है वो अपने कंप्यूटर में डालता चला जाएगा और उसको दिखेगा कि हाँ भाई ये नाम किसी भी कंपनी का नहीं है, तो वो ठीक नाम आपकी कंपनी का पड़ जाएगा और आपकी कंपनी अब उसी नाम से जानी जाएगी। आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, वो उसी नाम से बनेगा जो नाम यूनिक है, जो सेम या आइडेंटिकल नाम नहीं है जो किसी दूसरी कंपनी का है। इस बात के बारे में ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म जो पॉइंट नंबर सेकंड बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के नाम को अप्रूव होने के बाद में हमें कंपनी के नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। अभी कब लिमिटेड लगाना पड़ेगा, कब प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा ये जान लेते हैं। कोई भी पब्लिक कंपनी जो फॉर्म होती है और पब्लिक कंपनी फॉर्म होने के बाद में कंपनी के नाम के लास्ट में हमें लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। अब इस लिमिटेड का मतलब जान लीजिए, लिमिटेड का मतलब होता है कि हम लोगों ने लायबिलिटी कंसेप्ट पढ़ा था 5 के 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एचयूएफ फैमिली हो, वहां पे कर्ता की लायबिलिटी लिमिटेड थी, सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पे सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी लिमिटेड थी, पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी। तो ये हमने सब पढ़ लिया, लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट, लायबिलिटी कंसेप्ट पढ़ लिया है और कंपनी में भी लायबिलिटी कंसेप्ट पढ़ा है, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि सारे ही कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। तो लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से किसी भी पब्लिक कंपनी के नाम के लास्ट में हमें वहां पर लिमिटेड वर्ड लिखना है। मैं अज्यूम करता हूं कि सूर्या लिमिटेड हमने एक फॉर्म रजिस्टर्ड कर ली, तो सूर्या लिमिटेड, मैंने कहा लिमिटेड, अभी लिमिटेड बस लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है, तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। ऐसा नहीं लिखा होगा कि सूर्या पब्लिक लिमिटेड, नहीं, लिमिटेड वर्ड लगा है तो आपको अंडरस्टूड जाना है कि भाई ये कंपनी जो है ये पब्लिक कंपनी है, ये पब्लिक के पैसे से चल रही है, पब्लिक ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, उसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी, जिसके नाम के लास्ट में लगा होगा लिमिटेड। वहीं अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ओन्ड, फुल्ली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर कंपनी खोल लेते हैं, और मैंने कहा था प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, तो 200 मेंबर आपस में जो बिजनेस करेंगे उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं, और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट। बात क्लियर हो गई है, पब्लिक कंपनी नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, ताकि आप डिफरेंस जान सके कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड है और ये लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी, तो ये जान गए आप। इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, उसे हम पीवीटी एलटीडी भी शॉर्टकट में कहते हैं, आपने बहुत सारी जगहों पर देखा है, तो उसे हम कहते हैं कंपनी के नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने का मतलब। इसके अलावा जो हम नाम रखते हैं कंपनी का, वो हमारे पास ऐसा कोई भी नाम हम कंपनी का नहीं रख सकते हैं जो नाम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिस के नाम को कन्वे करता हो या वहां पर मिसलीड करता हो या वहां पे कोई भी कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो सकता हो, ऐसा कोई नाम आपको नहीं रखना है। नाम आपको रखना है तो कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, पब्लिक जान के नाम को उसका मीनिंग जान सके, ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो नाम रखेंगे उस नाम के लास्ट में, मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, कभी भी कंपनी के नाम के लास्ट में हम कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव जो होता है वो कवर होता है इंडियन कोऑपरेटिव सेक्शन 1912 में, और हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको अलग सेगमेंट में पढ़ा है। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि कंपनी है, कंपनी फॉर्म करेंगे, नाम रखेंगे, जो भी नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको सेलेक्ट करके देगा उस नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा लेंगे और आप कंपनी का नाम रख सकते हैं, ये ठीक है। अब बात आती है ऑल्ट्रेशन की, ऑल्ट्रेशन मतलब कि क्या हम कंपनी के नाम में कभी चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने कंपनी के नाम में चेंज कर सकते हैं। और जब अब नेम चेंज करने के लिए कंपनी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, सबसे पहले तो रूल्स रेगुलेशन ये है कि कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, और जब कंपनी अपने नेम क्लॉज में चेंज करना चाहती है तो हम वहां पर जो रेजोल्यूशन पास करेंगे उस रेजोल्यूशन का नाम होता है, उस रेजोल्यूशन को हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, और कई कई बार हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई एसआर और ओआर, जिसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं, इसका
क्या मतलब होता है। तो कहीं पर कंपनी को ओआर पास करना होता है जिसे हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहते हैं, और कहीं पर कंपनी को एसआर पास करना होता है जिसे हम कहते हैं एसआर मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने आपसे कह दिया नेम क्लॉज में चेंज करने के लिए कंपनी के लिए जरूरी है कि वह अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलाए और उसमें एक एसआर पास करे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे और अपने मेंबर्स को बताए कि कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है। सारे लोगों का वहां पर सहमति होना जरूरी है। ऐसे केस में एसआर का मतलब होता है कि हम जो भी मीटिंग बुलाते हैं उस मीटिंग में बैठे टोटल लोगों का 2/3, अगर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 3 में से अगर हम बोलते हैं कि 2 लोग अग्री कर जाते हैं कि ठीक है कंपनी का नाम चेंज करो, मतलब कि 2/3, इसको मैं 66.667 भी कह सकता हूं, मतलब कि 66.667% लोग, टोटल बैठे लोगों में से अगर एग्री कर देते हैं कि ठीक है कंपनी का नाम चेंज करो, और इसी 66.667 को ही हम कहते हैं कि टोटल वोटिंग पावर का अगर 2/3 या 66.66% होगा उसी को हम कहते हैं एसआर। और अगर एसआर पास हो जाता है, मेजॉरिटी कहती है कि नाम चेंज कर दो, तो हम नाम चेंज करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने एसआर पास कर दिया, दूसरा स्टेप आपको करना यह है कि अब आपको जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। मैंने आपसे बहुत क्लियर कर दिया है कि हम जो भी वर्क करेंगे कंपनी में वो हम सब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करते हुए करेंगे। कंपनी को नेम क्लॉज में चेंज करना है और कंपनी को करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके एप्लीकेशन देना होगा और उससे बताना होगा कि हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कर चुके हैं, वो लोग हमारे लिए एसआर पास कर चुके हैं, नाम चेंज करने के लिए अग्री हैं, अब आप भी अप्रूवल दे दो। ये हम किससे कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको हरी झंडी दिखाई, उन्होंने अप्रूव करने की बात कही और आप फिर आप अपना नाम चेंज करवा सकते हैं और आपके नेम क्लॉज में ऑल्टरेशन या चेंज हो सकता है बाय यूजिंग एसआर एंड बाय स्पेशल परमिशन ऑप्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप ऐसा कर सकते हैं और अपने नेम क्लॉज में चेंज करा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्लॉज की तरफ जिसे हम कहते हैं सिचुएशन या डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र जो आपका बनता है, जिसे हम रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज कंपनी का दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो हमारे एमओए का दूसरा पार्ट है। सिचुएशन का मतलब होता है या डोमिसाइल का मतलब होता है कि कंपनी किस जगह पर रजिस्टर्ड हुई है। एड्रेस, भाई एक पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन, तो कहीं ना कहीं तो वो रहता होगा, उसे ही हम कहते हैं कंपनी का डोमिसाइल, कंपनी का सिचुएशन। या अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी रजिस्टर्ड हुई है इंडियन कंपनीज एक्ट में, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने का मतलब एक क्लियर है, आज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वो कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड होगी, फिर चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, वो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, मतलब कि वो कंपनी इंडिया की ही कंपनी है और इंडिया में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और उसी रजिस्टर्ड ऑफिस को हम कहते हैं सिचुएशन या डोमिसाइल। ये कंपलसरी है कि कंपनी कोई भी बने, चाहे वो पब्लिक कंपनी बने चाहे वो प्राइवेट कंपनी बने, कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के या रजिस्ट्रेशन होने के विद इन 30 डेज, अब इसमें से जो डेट पहले आ जाए वो आपको डिसाइड करना है कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लीजिए, या सर्टिफिकेट मिलने के विद इन 30 डेज आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लीजिए, तो आपको विद इन 30 डेज या बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक प्लेस में खोलना ही होगा और वो प्लेस डेफिनेटली किसी न किसी स्टेट में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट से मिलकर हमारा इंडिया बना है, तो किसी न किसी एक स्टेट में होगा। उस स्टेट का नाम क्लियरली हमको अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को यहां पर बनाया है। अब रजिस्टर्ड ऑफिस का कांसेप्ट क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस का कांसेप्ट यह है कि कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो उस रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे। जैसे मैंने आपसे अभी भी कहा कि कंपनी की एसआर हो रही है, मतलब कंपनी की मीटिंग हो रही है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उस मीटिंग को हम उसी प्लेस में करेंगे जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे। अगर आपको कंपनी से कोई करस्पॉन्डेंस करना है, कोई चिट्ठी लिखनी है और उस चिट्ठी में क्या एड्रेस लिखें, तो आप वो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होगा, पता होगा, उसे आप लिखेंगे कंपनी के सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज में, जो नाम लिखा होगा वहां पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं ऑल्टरेशन, अगर आप चाहते हैं कि कंपनी का जो सिचुएशन क्लॉज है इसमें चेंज हो सकता है, नॉर्मली हो जाता है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक पर्सन एक जगह पर रहते रहते कई बार उसको अच्छा नहीं लगता तो नए प्लेस में चला जाता है, नया घर बना लेता है, ऐसा बिल्कुल कंपनी के साथ भी है। कंपनी को यह पावर है कि कंपनी अपने एड्रेस में चेंज कर सकती है। अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा, अभी मैं आपको ओआर का मतलब भी बताऊंगा कि ओआर क्या होता है। इसके पहले कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में या सिचुएशन में या डोमिसाइल
स्टाइल में चेंज कर सकती है। जी हाँ, कंपनी के पास पावर है कि कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंपनी अगर अपने सिचुएशन क्लॉज में चेंज करती है, ऐसे केस में हमको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले कि भाई मान लेते हैं कंपनी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है, अगर कंपनी उस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहती है, अब कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहेगी, ऐसे केस में कंपनी ऐसा कर तो पाएगी, लेकिन कंपनी को यहां पर पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। और कंपनी जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी अपने हेड ऑफिस को, जिसे हम कंपनी का सिचुएशन बोल रहे हैं, कंपनी का एड्रेस बोल रहे हैं, उस एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस में चेंज कर पाएगी। लेकिन यहां पर सबसे पहले करना क्या होगा, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि रजिस्ट्रार हर स्टेट में अलग अलग बैठा है। अब हम एज्यूम करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान स्टेट में शिफ्ट होना चाहते हैं। अभी हमारा जो ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से हम जाना चाहते हैं राजस्थान, मतलब कि हम अपना स्टेट चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि दोनों ही स्टेट के जो रजिस्ट्रार होंगे, दोनों ही स्टेट के रजिस्ट्रार अप्रूव करेंगे, सेंक्शन करेंगे कि ठीक है, हम एग्री हैं इस स्टेट से इस स्टेट की कंपनी में हम शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही वो वहां पर तैयार हो जाएंगे, वैसे ही हमें पास करना होगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, मीटिंग बुलाएंगे, सारे मेंबर से पूछेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं, कंपनी का एड्रेस चेंज हो रहा है, तो सारे लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है। और सब जब अप्रूव करेंगे, अप्रूव सब का मतलब है कि 66.66 या 2/3 लोग जो है, मेजॉरिटी जब तैयार हो जाएगी तो हम ऐसा कर पाएंगे और अपने हेड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर पाएंगे। तो टू इंपॉर्टेंट हम ध्यान रखनी है जब स्टेट से स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है। पहला यह कि हमें दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसे हम शॉर्टकट में ROC कहते हैं, उनसे हमें सेंक्शन कराना होगा और उसके बाद हमें पास करना होगा एक SR। और अगर दोनों चीजें हो जाती हैं, आप आसानी से कंपनी के हेड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कंपनी के एड्रेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह हो गई कि भाई नहीं, हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट नहीं करना है, हमें एक ही स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से या एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट करना है। मान लेते हैं कि हमें जयपुर से उसको शिफ्ट करना है और हम उसको सीकर ले जाना चाहते हैं, राजस्थान की ही बात करते हैं, राजस्थान में ही एक स्टेट से दूसरे, एक ही प्लेस से दूसरे प्लेस में विद इन स्टेट रहना चाहते हैं, मतलब एक ही स्टेट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना चाहते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए भी आपको यहां पर पास करना होगा SR, और SR पास करना होगा, और आप एक ही स्टेट के एक टाउन से एक ही स्टेट के उसी दूसरे टाउन में आप अपने ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हैं और SR पास करेंगे और आप ऐसा कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि भाई हमें अपना ऑफिस एक ही टाउन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करना है। भाई एक प्लेस हम मान लेते हैं नियर गांधी चौक, और आप गांधी चौक से अब विवेकानंद चौक में अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा एक ही टाउन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में करना चाहते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अब आपको SR पास करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको पास करना पड़ेगा OR। अब OR का मतलब जान लेते हैं, हम फिर से अपने सारे मेंबर्स को बताएंगे कि भाई हम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं और एक ही शहर के एक कोने से दूसरे कोने में शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे केस में हम फिर से मीटिंग बुलाएंगे, सारे लोगों का ओपिनियन लेंगे। लेकिन OR का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि टोटल वोटिंग पावर का 1/2, मतलब कि 50% लोग अगर अग्री कर जाते हैं कि हाँ ऑफिस चेंज कर दो, तो हम अपने ऑफिस को चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहां पर टू इंपॉर्टेंट टर्म जान लिए कि कब हमें SR चेंज करना है, कब हमें OR करना है। रिकॉल करा देता हूं, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो SR, एक ही स्टेट के एक टाउन से दूसरे टाउन में तो SR, एक ही शहर के एक कोने से दूसरे कोने में तो OR पास करना है। OR मतलब टोटल वोटिंग पावर का 50% या 1/2, और SR मतलब टोटल वोटिंग पावर का 2/3 या 66.66। ऐसा करके आप अपने सिचुएशन है डोमिसाइल क्लॉज में चेंज कर सकते हैं, और बहुत आसान है, आप ऐसा चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हैं, आसान तो नहीं कहेंगे, और आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की तरफ में। आप ऑब्जेक्ट क्लॉज की अगर बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि इस क्लॉज में बताया गया है कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का विजन क्या है, क्यों कंपनी को फॉर्म किया गया है, कंपनी क्या काम करना चाहती है, कंपनी फ्यूचर में कौन से टारगेट को अचीव करना चाहती है। ये सारी बातें कंपनी की ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी जाएंगी। ऑब्जेक्ट में कंपनी की लिमिटेशन भी लिखी जाएंगी। कंपनी की लिमिट ये है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को क्रॉस अचीव करने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये सारी बातें कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी जाएंगी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अभी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में ये जानना जरूरी है कि कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत क्लियर होगा, कंपनी का विजन बहुत क्लियर होगा कि कंपनी क्या करना चाहती है, इसको हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जाननी है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा कंपनी का वो ऐसा होगा जिसे हम अचीव कर सकते हैं। मैं ये कहूं कि मैं चांद से उसका टुकड़ा तोड़ लाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लॉ की नजरों में वो इलीगल नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे जो अभी तो लॉफुल दिख रहा है लेकिन
उसको अचीव करते करते वो इलीगल हो जाता है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ऐसा ऑब्जेक्ट हम रखेंगे जो हमारे सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज छोड़ता होगा, मतलब कि मोरल होगा, इमोरल वहां पे नहीं होगा, और वहां पे जस्टिफिकेशन जो होगा वो ट्रू एंड फेयर होगा। इस बात का ध्यान रख के हम अपने ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे और उसे हम लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अब बात आती क्या कंपनी अपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकती है। भाई जब कंपनी बनी थी तो कंपनी नई नई थी, कंपनी को अभी बहुत ज्यादा उसको क्लियर नहीं था विजन, तो कंपनी ने जब फ्यूचर में 2-4 साल बिजनेस कर लिए तो कंपनी को लगता है कि नहीं, हमें अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ाना चाहिए, हमें और अपने ऑब्जेक्ट को और ज्यादा फ्लरिश करना चाहिए, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। और ऐसा करने के लिए कंपनी को पास करना होगा एसआर, और एसआर पास करने के साथ में कंपनी को अपने एक कंसेंट जमा करना होगा कंपनी लॉ बोर्ड, जिसे हम सीएलबी कहते हैं। तो कंपनी लॉ बोर्ड बना हुआ है, कंपनी लॉ बोर्ड के पास में जाकर आप कंपनी के क्लॉज में चेंज, जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें चेंज क्यों करना चाहते हैं और वो चेंज क्या है, ये सब बताएंगे। और अगेन आप एक मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग का 66.66% या 2/3 वोटिंग पावर में से मेजोरिटी लेकर अगर लोग तैयार हो जाते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं और आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं कंपनी के लायबिलिटी क्लॉज की तरफ। लायबिलिटी क्लॉज का मतलब, अभी मैंने आपको बताया कि हर कंपनी के लास्ट नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, क्योंकि लिमिटेड है, हर मेंबर्स की लायबिलिटी, हर शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अभी लिमिटेड कैसे होती है ये मतलब जान लेते हैं पहले। मान लेते हैं कि राम है कंपनी का शेयरहोल्डर है और राम ने कंपनी से 10 रुपीज वाले टोटल 1000 शेयर परचेस किए थे, जिसमें से राम ने 10 में से 7 रुपीज कंपनी को 1000 शेयर का पे भी कर दिया है, मतलब राम ने कंपनी को 7000 रुपीज का पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि राम की लायबिलिटी कंपनी में कितनी है, तो जो अनपेड अमाउंट है 10 में से उसने 7 रुपीज का पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये कि 10 में से 3 रुपीज इसी 1000 शेयर्स का, मतलब कि 3000 रुपीज राम को पेमेंट करना बाकी है, ये जो कि अभी अनपेड अमाउंट है। और इसी अनपेड अमाउंट तक ही हम बोलते हैं कि राम की लायबिलिटी लिमिटेड है, राम को अपने घर के फर्नीचर को, अपने घर की एसेट्स को नहीं बेचना पड़ेगा, हम लोगों ने अनलिमिटेड लायबिलिटी में पढ़ा था। तो राम की लायबिलिटी लिमिटेड है सिर्फ उतने अमाउंट तक जितना कि राम ने अभी तक नहीं पे किया है, जो राम का अनपेड अमाउंट है, और इसे को हम कहते हैं यहां पर कि लायबिलिटी लिमिटेड है। अब लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी का कांसेप्ट क्यों है, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, कंपनी शट डाउन पॉइंट में पहुंच गई है, तो हम राम से यहां पर डिमांड कर सकते हैं कि भैया लाओ जो 3000 रुपए आपने देने का वादा किया था, ये पैसा आप लाके कंपनी के पास जमा करो। सिर्फ 3000 रुपए, 3000 रुपीज ही राम से मांगे जाएंगे, क्योंकि राम ने 7000 रुपीज ऑलमोस्ट पेमेंट कर दिए हैं और राम ने वादा किया था कि राम कंपनी में 1000 शेयर का 10 के हिसाब से टोटल 10000 रुपीज पेमेंट करेगा। तो 10 में से राम ने 7 दे दिए, तो राम की लायबिलिटी है 3000 रुपीज। अब इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि क्या लायबिलिटी क्लॉज में चेंज हो सकता है, तो लायबिलिटी क्लॉज में आप एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकते हैं और उसमें मेंबर चाहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि नहीं भाई हम अपने लायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, और लायबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट तक है, इसे घटाना तो नहीं बोल सकते कि वहां पे घटा सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहें कि नहीं हम ये भी लेना चाहते हैं, हम इसकी भी गारंटी लेना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं और अपने लायबिलिटी क्लॉज में इस लायबिलिटी क्लॉज के ऑल्टरेशन को कर सकते हैं। आपका लायबिलिटी क्लॉज यहीं तक है, आपको बस इतना ही समझना है। अब बात करते हैं कैपिटल क्लॉज की। कैपिटल क्लॉज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन अभी आप क्लास 11th में हैं तो कैपिटल क्लॉज के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, जितना काम का जितना रेलेवेंट है उतना ही समझिए, आगे जाके जब आप क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी मतलब कैपिटल क्लॉज के बारे में जानने हैं। मैं फटाफट आपको बताता हूं कंपनी के कैपिटल क्लॉज में, कंपनी का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है कंपनी का कैपिटल क्लॉज, क्योंकि कंपनी अपने शेयर कैपिटल से ही जो पैसा आएगा उससे बिजनेस करेगी, और कैपिटल क्लॉज में कंपनी की कैपिटल को हमने बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्डअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। अभी आपको यह समझ में नहीं आएगा, और आपको समझना यह है कि कैपिटल क्लॉज में मतलब है कि मैंने पहले नंबर पे लिया ऑथोराइज कैपिटल। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी को अपने एमओए में एक कैपिटल क्लॉज में वहां पर अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कंपनी अपना बिजनेस अपने लाइफ टाइम में इस पर्टिकुलर शेयर कैपिटल से करेगी, और उसी शेयर कैपिटल से जिस कैपिटल से कंपनी ने रजिस्टर्ड कराया था, जिस कंपनी का एमओए बना था, उसी को हम कहते हैं कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल बन गई है, कंपनी अपने बिजनेस को इसी ऑथोराइज कैपिटल के लिमिट के अंदर करती रहेगी। इसके अलावा अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। तो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल जिससे कंपनी बिजनेस करना चाहती है अपने होल लाइफ में, उसे हम कहते हैं कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल, और उस कैपिटल का जिक्र हमें करना होगा अपने कैपिटल क्लॉज में। इसके अलावा भी मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी कैपिटल होती है कंपनी की, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आपके काम का नहीं है। दूसरा टर्म कि अगर कैपिटल क्लॉज में चेंज करना है, कंपनी को बीच में लगता है कि हमने जो कैपिटल डिसाइड किया जिसे हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं ये फ्यूचर में कम पड़ सकती है, तो कंपनी डेफिनेटली चेंज कर सकती है। इसके लिए कंपनी को पास करना होगा एसआर, जिसे हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा देर पहले यहां लिखा था, टोटल वोटिंग पावर का 2/3, और कंपनी लॉ बोर्ड में एक नोटिस देने के बाद में, एक कंसेंट देने के बाद में अगर वहां से अप्रूवल मिल जाती है तो आप अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। तो एसआर पास करना होगा,
कंपनी लॉ बोर्ड की अप्रूवल लेनी होगी। अगर वहां से अप्रूवल मिल जाती है तो अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकते हैं, और ये है पॉइंट नंबर फिफ्थ। और लास्ट क्लॉज जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 के 6 क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज है टोटल हमारे कंपनी के उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जो बने थे तब जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कंपनी के फॉर्मेशन होने के टाइम पे हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव इलेक्शन करना ही पड़ता है, और हमें इलेक्ट करना पड़ता है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के बिहाफ में कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी के लिए डिसीजन लेंगे, कंपनी के सिग्नेचर करेंगे, कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। तो सारे काम वही लोग कर सकते हैं। अब यहां पर डिक्लेरेशन का मतलब होता है, एसोसिएशन क्लॉज का मतलब होता है कि सारे ही डायरेक्टर जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे हमारे लिए जरूरी थे, जिनका अपॉइंटमेंट हमने किया था, वो डायरेक्टर रिटन कंसेंट देंगे और उसमें लिखेंगे कि हम जो सारे लोग मिलकर कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन रहे हैं, हमने कंपनी से कंपनी में बनने के लिए कंपनी के जो क्वालिफिकेशन शेयर को परचेस करना था। मैंने आपसे बताया था कि क्वालिफिकेशन शेयर का मतलब होता है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको बाकी क्वालिफिकेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सब एक तरफ, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आपको कंपनी के कम से कम एक शेयर को परचेस करना होगा। मिंटू से आपको पहले कंपनी का बनना होगा मेंबर, और मेंबर बनने के लिए एक शेयर की क्वालिफिकेशन जरूरी है। आप एक शेयर लेंगे और उस शेयर को लेने के बाद आपने उस शेयर का पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा कर दिए हैं, तो ये है क्वालिफिकेशन शेयर। इस बात का कंसेंट देना होगा कि हम कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी में जो कंसेंट था उसको हमने सिग्नेचर कर दिया है, कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर को ले लिए हैं, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से समझ लिया है, और अब हम कंपनी के हाफ में कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। ये सारे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिटन एग्रीमेंट कंसेंट करके वहां पर सबमिट करेंगे, और इसे हम कहते हैं कंपनी का, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और इंपॉर्टेंट टर्म ये कि कंपनी के एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टर तो एक ही थे, उन्होंने तो कर दिया। आप डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर तो फ्यूचर में चेंज हो सकता है ना, लेकिन जो डायरेक्टर कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर था उसने तो कंसेंट दे दिया, अब उसमें हम कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर डायरेक्टर्स की लायबिलिटी सेट की जा रही है कि भाई आपको कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया है, इतनी रिस्पांसिबिलिटी वाली पोस्ट दी गई है, आप अपना काम ठीक से करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात का आप लिखित में दे दीजिए। और उन्होंने ऐसा कर दिया है और सारे ही डायरेक्टर से साइन कर दिए, और कंपनी का बन जाता है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और 6 के 6 क्लॉज एमओए हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम एओए कहते हैं। इस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा, नहीं आता कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, वहां पर मैसेज करिए। मैं आपको मैसेज से याद आ गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और कई बार क्या होता है, लिखते लिखते कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कहीं पे टोटल में गलती जाती है, और कई बार ऐसे ऐसे मैसेज तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर यहां पे गलत हो गया। मुझे काफी अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे इस वीडियो को काफी डिटेल में, काफी गौर से देखते हैं। वहीं कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियो को देखकर अब हमारी भी इच्छा होने लगी है पढ़ने की, तो इस बात को सुनकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो मैंने यहां पर कोशिश की थी आप लोगों को पढ़ाने की बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स, उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सक्सेस के वे में जाते देखता हूं, सफल होता नजर आता हूं। अच्छा लगता है, ऐसे मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एओए के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।